हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो कल जैसे कि हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था आप लोगों को कि यहाँ से कुछ प्राइस एक्शन बनेगा, तो आप एक पुट साइड के लिए व्यू बना सकते हो। तो पुट साइड के लिए एक अच्छा खासा टारगेट भी मिला। तो देखो फ्रेंड्स, ये जो था ये अपना एक जो कल एक्सपेक्टेशन था वो मार्केट ने दिया, ठीक है। बट उसके बाद जो ये तीन कैंडल्स आप लोग देख रहे हो गए अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो ये तीन कैंडल कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव था। तो ये न्यूज़ या फिर किसी और रीज़न की वजह से हुआ रहेगा। और जो बहुत सारे बैंक्स हैं वो 1% 2% पॉजिटिव हो गए, तो आप समझ सकते हो कुछ बड़ा मूव का प्लानिंग चल रहा है। बड़ा मूव किस लिए? क्योंकि फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को हर वक्त समझाते आ रहा हूँ कि इलेक्शंस चालू है, कुछ भी मार्केट में अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, ठीक है ना। अनएक्सपेक्टेड होता है, अपने को दिखने पर काम करना है, लगने पर काम नहीं करना है, सिंपल है। तो आप लोगों को बैंक निफ्टी में मेन लेवल्स बता देता हूँ, ठीक है। 48,000 का ये जो है ये एक मेन लेवल है, ठीक है। 48,000 का जो कि आज का क्लोजिंग भी है, बस 20-30 पॉइंट थोड़ा सा नीचे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है फ्रेंड्स। एक गैप अप ओपनिंग और फ्लैट ओपनिंग का चांसेस है। मेरा जो व्यू है वो गैप अप और फ्लैट ओपनिंग का है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जो दूसरी चीज़ है फ्रेंड्स, 47,700 का एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, ठीक है। अभी ये लेवल बहुत क्लोज है, मार्केट कल एक अच्छे मूव दे सकता है, ठीक है। बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है फ्रेंड्स, बहुत बड़ी प्लानिंग, ठीक है। जो अपने को दिख रहा है, जो अपने सामने है, हम उसको देख के एक आप लोगों को बताएंगे कि आपका लेवल्स क्या होना चाहिए, प्रॉपर क्या लेवल्स पे आप काम करने चाहिए, ठीक है। तो पहला चीज़ हो गया 48,000 का आपका मेन रेजिस्टेंस है, गैप अप ओपन हुआ, तो पहला चीज़ वेट करो फ्रेंड्स कि मार्केट एक रिजेक्शंस ले या फिर एक यहाँ पे कंसोलिडेशन क्रिएट करे, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है। कंसोलिडेशन क्रिएट करे फिर एक अपसाइड मूव मिलेगा, ये बात ध्यान में रखो फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये एक पॉइंट हो गया। अगर कंसोलिडेशन दे रहा है, यहाँ पे मार्केट सस्टेन कर रहा है, रुक रहा है, तो आप यहाँ पे कॉल सेट प्लान कर सकते हो। जब तक मार्केट 48,000 के ऊपर है तब तक आप लोग सेफ हो। जैसे ही मार्केट 48,000 के नीचे आया या फिर मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे रिजेक्शन तो दे दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ एक रिजेक्शन स्कैंडल बने, क्रिएट हुए, तो वहाँ से एक डाउनफॉल मूव भी आ सकता है फ्रेंड्स। यहाँ पे मेरी बात ध्यान रखना, अगर कुछ भी रिजेक्शन कैंडल क्रिएट हो यहाँ पे, ये लाइन को लेकर कुछ भी इस तरह की कैंडल अगर बन रही है, वीक ऊपर छोड़ के डाउन साइड बॉडी बना रही है, तो आप यहाँ से एक पुट साइड का प्लान कर सकते हो, बड़ा टारगेट अचीव होगा, ऑलमोस्ट 1000-2000% का रिटर्न मिलेगा, बात ध्यान में रखो, अगर कुछ इस तरह की कैंडल बन रही है तो। जब तक आप 48,000 के ऊपर तब तक आप लोग सेफ हो, आप सी साइड जा सकते हो, 48,000 के नीचे आने के बाद आप पुट साइड जाओ, ठीक है, पुट साइड जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी आप लोग ध्यान रखना कि ये जो दो जोन हैं, ये दो जोन में थोड़ा कम ही क्वांटिटीज़ में ट्रेड करो। अगर 48,000 के ऊपर मार्केट जा रहा है तो आप अच्छे फंड्स के साथ ट्रेड कर सकते हो, अपसाइड मूव मिलेगा, ठीक है। और जब ये 47,700 को अगर ब्रेक डाउन दे रहेगा तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल देखते हुए मिलेगा अपने को, ठीक है। इतना समझ गए, लेवल्स मार्क कर लो, मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट के लिए दे देता हूँ, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट्स मार्क कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। जो मेजर लेवल है वो आप लोगों को मैंने बता दिया, ठीक है। तो इसी पे काम करना फ्रेंड, ज़्यादा रिस्क मत लेना। कल बैंक निफ्टी में या फिर आप मिड कैप निफ्टी में काम कर सकते हो, सेंसेक्स में थोड़ा अवॉइड करो, सेंसेक्स को, सेंसेक्स थोड़ा रिस्की। और बाकी कुछ भी डाउट हो डेली एनालिसिस के लिए, आप लोग मेरा इंस्टेंट रिप्लाईज के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं सभी चीज़ इंस्टेंटली बताता हूँ, ठीक है। और अभी निफ्टी फिफ्टी की बात कर लेते हैं, निफ्टी फिफ्टी में क्या मूवमेंट है। देखो, निफ्टी फिफ्टी ने तो आज बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिया, जैसे कि हमने प्लान किया था कल निफ्टी फिफ्टी में, एज इट इज़ वैसा ही मूव आया। बट जो ये जो कॉल साइड मूव आया वो अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। और पहली चीज़, जो कल अपना रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन चुका है, तो आप लोगों को सिंपल चीज़ ध्यान रखनी है, मार्केट जब तक 22,320-300 के ऊपर है तब तक आप लोग सेफ हो, एक सी साइड मोमेंटम मिलेगा। जैसे ही ये लेवल को ब्रेक करेगा, ये मेन लेवल है 22,300 का मेन लेवल है, जैसे ही ये ब्रेक डाउन देगा तो डाउनफॉल देखते मिलेगा। और ये 3 महीने का सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक किया तो बहुत बड़ा फॉल आएगा, बहुत बड़ा रेड डे भी आ सकता है अगर ये ब्रेक करेगा 21,800 का, अगर ब्रेक किया तो ही।
फिलहाल तो कोई वैसा मूवमेंट नहीं लग रहा, क्योंकि इलेक्शंस चालू है, मार्केट डाउनफॉल नहीं देगा, ज़्यादातर सी साइड का ही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, थोड़ा ध्यान में रख के ट्रेड करना, गैप अप और फ्लैट ओपनिंग के चांसेस है। अगर मार्केट इसके ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है तो आप जा सकते हो एक सी साइड के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है 22,300 तो आप पुट साइड का एक प्लान कर सकते हो। बात ध्यान में रख लो, नोट्स बना लो, लिख के रख लो। ठीक है, तो फ्रेंड्स ध्यान से ट्रेड करो, ज़्यादा रिस्क मत लो, इन द मनी में ही ट्रेड करो, आउट ऑफ द मनी अभी आप लोगों को सीखने में टाइम लगेगा। जब तक अगर आप लोग बाइंग कर रहे हो ना, तो उसके लिए आपको पहले सेलिंग करना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सेलिंग करोगे ना तो आप प्रीमियम को अच्छे से ऑब्जर्व, प्रीमियम को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो अब उस वजह से आप सीख पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए आप वीडियो देखो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो, और जो भी डाउट्स लग रहे, कुछ भी डाउट्स, तो आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में डालो, मैं उस पर भी वीडियो बनाता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।